के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो रोक लगाई गई है वो बिल्कुल सही है, समाज के हित में है, जनता के हित में है। ये रोक बहुत पहले लगनी चाहिए थी। ऐसी कार्यवाही जो है जनता के हित में अगर की गई है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए और ये रोक जो है सख्ती से इसका जो है पालन किया जाना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट जिस तरह से सरकार योगी सरकार का फैसला आया है छापेमारी का, इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। ये सरकार की अच्छी एक पहल देखी जा रही है क्योंकि जिस तरह से सरकार आगे कदम उठा रही है ये हम लोगों के हित में ही काम किया जा रहा है, तो ये सरकार का काफ़ी सराहनीय काम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। जी, योगी सरकार का फैसला है इसलिए छापेमारी की जा रही है, खाद व्यापार जो भी है छापे कर रही है लगातार, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। एक बार जो हलाल वाला जो टैग लग रहा है खाने पीने वाले किसी भी प्रोडक्ट पर लग रहा है, योगी सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है और ये सराहनीय कदम है योगी सरकार का। इसी तरीके का काम आगे और योगी सरकार करते रहे, लेकिन क्योंकि हलाला लिखना ही नहीं चाहिए, सारी चीज़ों से बैन होना चाहिए, पूरे देश से बैन होना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो। यूपी से शुरुआत है इसकी, ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये लगातार अभियान जो चल रही है ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया में चल रहा है और योगी सरकार इस पर एक्टिव है और उसके कदम को बहुत ही सराहनीय कदम कहा जाएगा। गवर्नमेंट जो कर रही है ये सही काम कर रही है। मुसलमानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट देना किसी इदारे, किसी कंपनी या किसी और का काम तो नहीं है, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो यानी FSSAI पहले ही दर्शा देती है। वैसे भी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं, तो ख़रीदार स्वयं जान लेता है कि इस पर क्या है क्या नहीं है और इसमें क्या हमारे लिए वर्जित है क्या नहीं वर्जित है। इसलिए अदर कंपनी या कमेटियों को हलाला प्रमाण पत्र जारी करने की क्या ज़रूरत है। आज आदमी पढ़ा लिखा है, उपभोक्ता पढ़ा लिखा है, जो ख़रीदारी कर रहा है वह देख के ख़रीदारी करे कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए वर्जित है, हमारे लिए हराम है। का काम है छापेमारी करना और सरकार का काम है हर प्रोडक्ट की जाँच करना। अगर सरकार को ये लगता है कि ये संदेह के घेरे में है और हलाल ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस प्रोडक्ट को बनाती हो, और अगर हलाला एक ऐसा शब्द है हलाल जो उर्दू से संबंधित है और मुस्लिम धार्मिक शरीयत में ये इसका बहुत ही जोर बड़े जोरों से हवाला दिया गया है, तो ऐसा हमें महसूस होता है कि ऐसा तो नहीं कि आतंकवादियों की गतिविधियों से कहीं परे हो। तो सरकार का जो काम है छापेमारी करना और देखना, हर प्रोडक्ट को जांचना, ये सरकार का सही कदम है। अरविंद जी, ये सरकार हलाला पर सर्टिफिकेटों की छापेमारी कर रही है पूरी यूपी में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की ये कार्रवाई है? ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में अगर कर रही है तो किसी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्या वापस में आपत्ति थी? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें किसी को नरगम परेशान तो किया नहीं गया। ऐसी देखिए, हलाल प्रोडक्ट पर सरकार ने बैन लगाई है, इसमें इसके पक्ष में सरकार का अपना तर्क है। सरकार कह रही है कि इससे होने वाला जो आर्थिक लाभ है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को वित्त पोषण करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है और देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव भी के लिए भी उत्तरदायी है। तो सरकार का ये तर्क है, मेरी इसमें ये राय है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी द्वारा करानी चाहिए। वकील साहब, हलाला सर्टिफिकेटों पर लगातार सरकार छापेमारी कर रही है पूरी यूपी में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई है? राजनीति से प्रेरित है, यहाँ इंडिया में हिंदू मुसलमान एक से लोग यहाँ पर रहते हैं और मुसलमान भी नागरिक हैं, हिंदू भी नागरिक हैं, ये उनका एक तरह से वो उत्पीड़न है जो नहीं होना चाहिए। भारत को आज़ाद कराने में जितना इसमें योगदान हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। ये सरकार हलाला के सर्टिफिकेटों पर छापेमारी करा रही है कार्रवाई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई है? ये कार्रवाई बदले की भावना से है, ये सामने वास्तव में अगर देखा जाए तो मुसलमान भी देश का नागरिक है, उसे उसी अनुसार ट्रीट करना चाहिए जैसे कि अन्य नागरिक। अच्छा फैसला माना जाएगा इसमें, क्योंकि जो ये हलाल के प्रोडक्ट या जो हलाल कंपनी जो प्रमाण पत्र पे देती है, इससे है चाहे कि वो कुछ भी हो, चाहे प्याज है लहसुन है, हर चीज़ में हलाल, हलाल का मतलब ये एक झटका हलाल ही मुस्लिम में आता है। लेकिन इसको सामान्य लोगों में इस तरह से सामान्य मार्केट में नहीं उतार रही है। हलाल पे जो सरकार काम कर रही है बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम कर रही है, मैं सरकार के समर्थन में हूँ। जगह जगह जो छापेमारी
हो रहा है उसका गवर्नमेंट ने रोक लगाई है उनके, उसके पीछे उनकी कुछ मंशा होगी कि क्यों उन्होंने लगाया, उसका उन्होंने रीजन दिया होगा। और अगर वो रीजन फैक्ट हैं तो ठीक है, और अगर वो रीजन सही नहीं है और लोगों को उससे नुकसान है तो फिर बताए। ये हलाल सर्टिफिकेट पे जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल हमें इसकी जानकारी नहीं है, हलाल सर्टिफिकेट है क्या? मैंने लगाया बहुत सही किया, जो हर चीज़ का हलाल प्रोडक्ट जो लगाया गया वो गलत लगाया गया, जो शाकाहारी प्रोडक्ट उसमें भी हलाल का माल मिल रहा है वो गलत दिया गया, वो सरकार के नियम और संविधान के विरुद्ध कोई भी सरकारी संस्थाएँ नहीं दे रही।